नमस्कार मित्रों, माया सिविलाइजेशन वर्ल्ड के 6 सिविलाइजेशंस में से एक है। ये सिविलाइजेशन माया रीजन में डेवलप हुई थी, एक मेसो अमेरिकन कल्चर एरिया जो नॉर्थन मेक्सिको साउथवर्ड से साउथ की ओर सेंट्रल अमेरिका में फैला हुआ है। मेसो अमेरिकन एरिया ने कल्चरल डेवलपमेंट्स की एक सीरीज को आगे बढ़ाया जिसमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, एग्रीकल्चर, सिटीज, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, राइटिंग और कैलेंडरियल सिस्टम इंक्लूड है। मेसो अमेरिकन कल्चर में एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, ब्लड और ह्यूमन सेक्रीफाइस भी इंक्लूड है। 6000 BC तक मेसो अमेरिका के शुरुआती निवासी प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करने के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक ऐसी प्रोसेस जिसके कारण आखिरकार सेडेंटरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज स्टेबलाइज हुई। मेसो अमेरिका के सभी रीजन्स में मेज, बीन्स और स्क्वेसेस जैसी फसलों की खेती की जाती थी। सभी मेसो अमेरिकन कल्चर्स ने स्टोन एज टेक्नोलॉजी का यूज किया। सिर्फ 1000 AD के बाद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का काम होता था। मेसो अमेरिका में ड्राफ्ट एनिमल की कमी थी। ड्राफ्ट एनिमल्स यानी वर्किंग एनिमल्स, पहिए का यूज नहीं किया जाता था और कुछ पालतू जानवर थे। मेसो अमेरिका में माया के लोग एक तिहाई पार्ट कवर करते थे और माया नेबरिंग कल्चर्स के साथ एक डायनामिक रिलेशनशिप में एंगेज थी जिसमें ओलमेक्स, मिक्सटेक्स, टियोटिहुआकान, एस्टेक्स और अदर्स इंक्लूड है। माया सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्री क्लासिक, दूसरा क्लासिक और तीसरा पोस्ट क्लासिक पीरियड। ये आर्काइक पीरियड के बाद के हैं जिसके दौरान पहले सेटल विलेजेस और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट देखे गए। माया ने अपनी पहली सिविलाइजेशन को प्री क्लासिक पीरियड में डेवलप कर लिया था। कार्बन डेट से पता चलता है कि स्यूडो में माया का ऑक्यूपेशन लगभग 2600 BC तक हो गया था। सोकोनुस्को रीजन में 1800 BC के आसपास बस्तियां बन गई थी और माया पहले से ही मेज, बीन्स, स्क्वेश और चिली पेपर जैसी फसलों की खेती कर रहे थे। इस पीरियड में सेडेंटरी कम्युनिटीज और मिट्टी के बर्तनों और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों की भी शुरुआत हो गई थी। मिडिल प्री क्लासिक पीरियड के दौरान छोटे गाँव ने शहरों को डेवलप करना शुरू कर दिया था। नागबे निचले इलाकों में सबसे पुराना शहर है जहां बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगभग 750 BC के हैं। 3rd century BC तक पैटर्न में एक डेवलप्ड स्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा था। क्लासिक पीरियड को मोटे तौर पर उस पीरियड में डिफाइन किया गया है जिसके दौरान लोलैंड्स माया ने लॉन्ग काउंट कैलेंडर का यूज करके डेटेड मॉन्यूमेंट्स को खड़ा किया, यानी अब वो मूर्तियों पर डेट का भी यूज करने लगे थे। इस पीरियड में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और अर्बनिज्म हुआ था। मॉन्यूमेंटल इंक्रिप्शन के रिकॉर्ड्स और विशेष रूप से सदर्न लोलैंड्स रीजन्स में इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुआ। क्लासिक पीरियड के माया के पॉलिटिक्स की तुलना रेनेसांस इटली या क्लासिकल ग्रीक से की गई है जिसमें कई सिटीज और स्टेट एक साथ जुड़ने लगे और एनमिटीज का एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे। सबसे बड़े शहरों की पॉपुलेशन 50,000 से 120,000 थी। अर्ली क्लासिक के दौरान पुराने माया रीजन के शहर टियोटिहुआकान के महान महानगर से प्रभावित थे। 378 AD में टियोटिहुआकान ने तिकाल और आसपास के सिटीज में इंटरफेयर किया, उनके रूलर्स को डिपोज कर दिया और एक नया टियोटिहुआकान बेक डिनेस्टी को स्टेबलाइज किया। इस इंटरवेंशन को लीड सियाच के एक यानी बोन ऑफ फायर ने किया था। तिकाल के राजा चाक तोक इक आक फर्स्ट की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। एक साल बाद सियाच के आक ने याक्स नून आहिन फर्स्ट को वहाँ का नया राजा बनाया। साउथ ईस्ट में कोपेन सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी। इस डिनेस्टी की स्थापना 426 में के इनिच याक्स का उप मो द्वारा की गई थी। कोपेन में कल्चरल और आर्टिस्टिक का डेवलपमेंट युक्लक्स उप आ के आविल के रूल के टाइम हुई थी जिन्होंने 695 से 738 तक शासन किया। माया एरिया के नॉर्थ में कोबा सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी। 9th century AD के दौरान सेंट्रल माया रीजन को बड़े राजनीतिक पतन का सामना करना पड़ा था जिसका कारण एंडेमिक इंटरनेशनल वॉरफेयर, ओवर पॉपुलेशन जिसके रिजल्ट में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरणीय गिरावट और ड्रोट यानी सूखा पड़ गया था। एक के बाद एक सिटीज ने डेटेड मॉन्यूमेंट्स को तराशना बंद कर दिया था। लास्ट लॉन्ग काउंट डेट 909 में तोनिना में इंस्क्राइब की गई है। अब लोग विशेष रूप से जहां परमानेंट वाटर सोर्सेस हैं वहां रहते थे। लोग नॉर्थन लोलैंड्स और माया हाईलैंड्स में शिफ्ट हो गए थे। इसमें सदर्न लोलैंड्स में माइग्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। कैरेबियन और गल्फ के आसपास नए शहर उभरे और नए ट्रेड नेटवर्क्स बने। इस समय ग्वातेमालन हाईलैंड्स में क्यू मार्काच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी थी जो अग्रेसिव किश किंगडम की राजधानी थी। पॉलिटिकल, सोशल और एनवायरमेंटल टर्बुलेंस के पीरियड के बाद मायापन को 1448 के आसपास छोड़ दिया गया था। युकाटन पेनिनसुला को वॉरफेयर, डिसीज और नेचुरल डिजास्टर के एक पीरियड के बाद शहर को छोड़ दिया गया था जो 1511 में स्पेनिश कॉन्टेक्ट से कुछ ही समय पहले समाप्त हो गया था। 1511 में
कैरिबियन में एक स्पेनिश कैरवेल को बर्बाद कर दिया था और लगभग एक डोजन जो जीवित बचे थे उन्होंने युकाटन के तट पर लैंडफॉल बनाया। वे एक माया लॉर्ड द्वारा जब्त कर लिए गए थे और अधिकांश की बलि दे दी गई थी। हालांकि दो लोग वहां से भागने में सफल रहे। 1517 से 1519 तक तीन अलग अलग स्पेनिश एक्सपेडिशंस ने युकाटन कोस्ट का पता लगाया और माया निवासियों के साथ कई बैटल्स में लगे रहे। 1521 में एस्टेक की कैपिटल स्पेनिश के कब्जे में आने के बाद हर्नन कोर्टेस ने पेड्रो डी अल्वारादो को 180 कैवलरी, 300 इन्फेंट्री, 4 कैनन्स और हजारों अलाइड वॉरियर्स को सेंट्रल मेक्सिको से गोतेमाला भेजा। वे 1521 में सोकोनुस्को पहुंचे। 1521 में किशे की कैपिटल कुमार काज को भी अल्वारादो ने हरा दिया। कुछ ही समय बाद स्पेनिश को इक्शिम से द कैपिटल सिटी ऑफ द काक्शिकल माया वहां पर अलाइड के रूप में इन्वाइट किया गया। बात कुछ ज्यादा बनी नहीं क्योंकि स्पेनिश ने ट्रिब्यूट के लिए गोल्ड की मांग की, इसलिए उन्होंने सिटी को कुछ ही महीनों बाद छोड़ दिया। इसके बाद जापुले द मेम माया कैपिटल उसका भी पतन हो गया। फाइनली 1546 में पेनिसुला के नॉर्थन पोर्शन पर भी कब्जा कर लिया गया। इन्होंने केवल पेटेन बेसिन के माया किंगडम्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था। 1697 में मार्टिन दी उर्सुआ ने इज्जा की कैपिटल नोच पेटन पर हमला कर दिया और लास्ट इंडिपेंडेंट माया सिटी भी स्पेनिश के कब्जे में आ गई। स्पेनिश की जीत ने माया सिविलाइजेशन की अधिकांश विशेषताओं को छीन लिया। मेज और बीन्स का मेसोअमेरिकन डाइट कंटिन्यू रहा। हालांकि स्टोन टूल के इंट्रोडक्शन से एग्रीकल्चरल आउटपुट में इम्प्रूवमेंट देखा गया। ट्रेडिशनल क्राफ्ट जैसे वेविंग, सेरामिक्स और बास्केटरी की प्रैक्टिस भी जारी रही। कैथोलिक मिशनरीज के जोरदार प्रयासों के बावजूद माया बिलीफ और लैंग्वेज चेंज करने से सख्त मना कर दिया। गोतेमाला और शियापास के ऊंचे इलाकों में माया कम्युनिटीज में 260 डे जोक इन रिचुअल कैलेंडर का यूज अभी भी जारी है। 19th सेंचुरी के आखिरी दो डिकेड्स में माया रीजन में मॉडर्न साइंटिफिक आर्कियोलॉजी देखी गई, जिसमें अल्फ्रेड और थियो बेर्टो के मेटिकुलस वर्क भी इंक्लूड है। 20th सेंचुरी के पहले दो डिकेड्स में माया कैलेंडर को समझने और डाइटीज, डेट्स और रिलीजियस कॉन्सेप्ट की पहचान की गई। 1950 से माया स्क्रिप्ट को समझने में सफलताओं के साथ टेक्स्ट ने क्लासिक माया किंगडम्स की वर्ल्ड लाइक एक्टिविटीज को रिवील किया, जिससे ये पता चलता है कि माया के लोग पीसफुल नहीं थे। माया सोसाइटीज एलाइट और कॉमनर्स के बीच शार्पली डिवाइडेड थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन समय के साथ साथ इंक्रीज हुई, सोसाइटी के कई सेक्टर तेजी से स्पेशलाइज्ड हुए और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तेजी से कॉम्प्लेक्स होते गए। लेट क्लासिक तक जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सोसाइटी के वेल्थी सेगमेंट में कई गुना वृद्धि हुई थी, एक मिडिल क्लास डेवलप हो सकता है जिसमें आर्टिसंस, लो रैंकिंग प्रीस्ट और ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स और सोल्जर्स हो सकते हैं। कॉमनर्स में फार्मर्स, सर्वेंट्स, लेबरर्स और स्लेव्स इंक्लूड है। क्लासिक माया रूल वो एक रॉयल कल्चर में सेंटर था। किंग सुप्रीम रूलर होता था और बहुत शुरुआती समय से किंग को स्पेसिफिकली यंग मेस गॉड के रूप में माना जाता था। माया के रॉयल सक्सेशन यानी शाही उत्तराधिकारी पेट्रिलिनियल था, यानी राजा मरा तो अगला उत्तराधिकारी उसका बेटा या उसी की फैमिली से होगा। और रॉयल पावर्स केवल रानी के पास होती थी। आमतौर पर पावर एल्डेस्ट सन को दी जाती थी। एक यंग प्रिंस को च ओक यानी यूथ कहा जाता था और रॉयल एयर यानी शाही उत्तराधिकारी को बा चोक यानी हेड यूथ कहा जाता था। कॉमनर्स की पॉपुलेशन 90% से भी अधिक मानी जाती है, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। उनके घर आमतौर पर पेरिशेबल यानी जो सामान खराब हो जाता था उस मटेरियल से बने होते थे। कॉमनर्स वॉरफेयर में भाग लेते थे और खुद को आउटस्टैंडिंग वॉरियर साबित करके सोशली आगे बढ़ सकते थे। यह हो सकता है कि असाधारण कौशल दिखा के मेहनती आम लोग माया सोसाइटी के प्रभावशाली सदस्य बन सकते हैं। माया ने ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का ज्यादा यूज किया और ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता था। माया आर्ट्स में तिकाल टेम्पल 4 से कार्व डूडल लिंटेल 3 यह 743 में शान काबिल द्वारा मिलिट्री विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। किंग किनिश जनाब पाकाल का जेड फ्यूनरी मास अली क्लासिक वुडन फिगरीन रॉयल म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री में एसेंट्रिक फ्लिंट तिकाल टेम्पल 33 के अर्ली क्लासिक का स्टुको मास बोनाम पार्क में लेट क्लासिक पेंटेड मुरल पेंटेड सेरेमिक वेसल फ्रॉम साकुल सेरेमिक फिगरीन फ्रॉम जेन आइसलैंड इसकी डेट 650 से 880 बताई जाती है। ऐसी बहुत सारी आर्ट माया रीजन से मिली है। 2000 BC से पहले माया ने एक ही भाषा बोली। माया ने प्री कोलम्बियन एरा के दौरान 30 से भी अधिक भाषाओं का निर्माण किया जो मॉडर्न टाइम में बची है। आमतौर पर अदर मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के साथ माया ने बेस 20 विजेसिमल सिस्टम का यूज किया। बार एंड डॉट काउंटिंग सिस्टम जो कि माया न्यूमेरिकल का बेस है। माया ने कैलेस्ट्रियल बॉडीज का बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया। पेशेंटली सन, मून, वेनस और स्टार्स के मूवमेंट पर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा रिकॉर्ड किया। इस इन्फॉर्मेशन का यूज
डिवाइनेशन के लिए किया जाता था, इसलिए माया की एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए थी। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी थी, जैसे क्रॉप प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग में हेल्प प्रोवाइड करना। एंशिएंट माया में फूड प्रोडक्शन की कई सोफिस्टिकेटेड मेथड थी। यह माना जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनको ज्यादा फूड प्रोवाइड करता था, लेकिन अब यह सोचा जाता है कि क्लासिक पीरियड के कुछ एरियाज में परमानेंट रेस फील्ड्स, टेरेसिंग, इंटेंसिव गार्डनिंग और फॉरेस्ट गार्डन भी इम्पोर्टेंट थे। लेक के सेडिमेंट्स में पोलन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेज, मेनियो, सनफ्लावर सीड्स, कॉटन और अदर क्रॉप्स कम से कम 2500 बीसी से मेसो अमेरिका में डिफोरेस्टेशन करके क्रॉप कल्टीवेट की जाती थी। जोया दी केरन में एक वोल्केनिक इरप्शन ने माया के घरों में स्टोर फूड का एक रिकॉर्ड प्रिजर्व किया है। उनमें से चिलीज और टोमेटोज थे। बेसिक फूड स्टफ के अलावा माया ने कॉटन, कोकाओ और वेनिला जैसी फसलों की भी खेती की। माया के कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे। डॉग्स को 3000 बीसी में पालतू बनाया गया था और मस्कवी डक को लेट पोस्ट क्लासिक में पालतू बनाया गया था। हंटिंग के लिए डॉग्स का ही यूज किया जाता था। माया के आर्टिफैक्ट्स के दुनिया भर में कई म्यूजियम है। द फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेसो अमेरिकन स्टडीज ने अपने माया म्यूजियम डेटाबेस में 250 से भी अधिक म्यूजियम को लिस्टेड किया है और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ मायानिस्ट ने अकेले यूरोप में कम से कम 50 म्यूजियम्स को लिस्टेड किया है। तो ये थी जानकारी माया सिविलाइजेशन की। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।